अब हम लोगों को एम्बुलेंस यहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब तक पुलिस को हमारे साथियों के बारे में पता लग गया होगा। हम लोगों को यहाँ से निकलना मुनासिब होगा। चलिए चलते हैं, चलिए आइए, जल्दी आइए। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। यही गाड़ी है, इसी गाड़ी से हम लोग आगे जाएंगे। बैठिए। यहां से बाहर जाने का सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि बाकी जिंदगी इन्हीं चार दीवारी में गुजरने वाली है। कल सुबह कोर्ट की हेयरिंग है, वहां से जाओगे सीधा जेल। मरियम अपने अब्बू को बोलो जल्द से जल्द पाकिस्तान आए, वरना ये तुम्हारे अब्बू का आखिरी कॉल होगा। ओंकार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मेरी इस हरकत के बाद तुम्हें और भी गुनहगार साबित हो जाऊंगा यार। मजाज, तू फिक्र ना कर, इस फैसले में तू अकेला नहीं है। वो देख अब्बू, मजाज अब्बू। मदिया, मैं जो करने जा रहा हूँ ना, उसके लिए मुझे माफी तक नहीं मिल सकती। जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी है जहाँ से सही और गलत का रास्ता बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है, लेकिन एक रास्ता है जो बहुत साफ नजर आ रहा है मुझे, मरियम की जिंदगी का रास्ता। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कोई भी गुनाह अपने सर ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची पर जरा भी आज नहीं आने दूंगा। मदिया, हम आप सबके गुनहगार हैं। मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इस हरकत के बाद आप लोग बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, आप पे गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, ये सिर्फ मेरी वजह से होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मदी मजाज, ऐसा मत सोचिए, हो सकता है कि ये अल्लाह ताला की मर्जी हो, हमारा इम्तिहान हो, और इस इम्तिहान में हम सब आपके पूरी तरह से साथ। जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही आप सबका गुनहगार हूँ। मेरी गलती थी जो मैंने मरियम को पाकिस्तान जाने दिया, इसकी वजह से मरियम की जिंदगी खतरे में है। मजाज, अपने आप को गुनहगार मत ठहराइए। आपने तो वो सब किया है जो एक जिम्मेदार इंसान अपनी फैमिली के लिए करता है। नहीं मदिया, मैं एक जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ। अगर जिम्मेदार होता ना तो मैं आपकी बात सुनता, आपका मान रखता। मैंने अपनी जिद में बड़ी गलती कर दी। कौन है ऊपर यहाँ पर? प्लीज गोली मत चलिएगा हुजूर, प्लीज इसे मत मारिए हुजूर। कौन है ऊपर? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है वहां पर? कौन है? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इस उम्र में बेटा बाप का सहारा होता है, पर मैं आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने पे मजबूर कर रहा हूँ। अल्लाह किसी भी बाप को अच्छा सा बेटा नसीब ना करे। नहीं मजाज, नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटे। अरे तुम पर तो हमें नाज है, हर मकाम पर तुमने फतेह हासिल की है, फख्र है हमें तुम पर बेटे। बस अब तुम जाओ और हमारी मरियम को लेकर आओ, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं इंशाअल्लाह। मजाज, इस वक्त आप सिर्फ मरियम की फिक्र कीजिए। मरियम को महफूज रखने के लिए हमें कितनी तकलीफें उठानी पड़े, हम सब हंसते हंसते सह लेंगे। आप सिर्फ मेरी बच्ची को साथ खैरियत के वापस ले आइए। हम आपसे वादा करते हैं मदिया, हम मरियम को खैर खूबी से वापस ले आएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ये हमारा आपसे वादा है।
कौन था यहाँ पर? कौन? ये गन किसका है? फरहान, हम आपसे पूछ रहे हैं ये गन किसका है और हमारे घर में क्या कर रहा है ये? इसके लिए कोई जवाब है आपके पास? नहीं नहीं मुमानी चंद, मुझे नहीं पता। ओ, वो शख्स आपके सामने से गुजरा लेकिन आपको नहीं पता। हम आपसे पूछ रहे हैं कौन था वो शख्स? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा मुमानी चंद, आप मेरा यकीन कीजिए। ओमकार को समझाइए ना, उसे साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। भाई जान, जब आपकी बात नहीं सुनी तो आपको लगता है वो मेरी बात सुनेंगे? ओमकार चाचा, अब्बू, आप लोग बस अपना ख्याल रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेहरा, आप एक बहुत अच्छी लॉयर है, बहुत होनहार है आप, और हमें आप पे फक्र है। बस हमें इस बात का अफसोस है कि हम आपका आइडियल अब्बू नहीं बन सके। कैसी बातें कर रहे हो अब्बू, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेरे आइडियल अब्बू। मरियम हमेशा कहती है हमारे अब्बू सुपर हीरो है। अब्बू सच में मेरे सुपर हीरो बेटा, अपना ख्याल रखना और अपनी अम्मी का, अब्बा हुजूर का, सबका ख्याल रखना, ठीक है? अब्बू अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी कीजिए, हमें यहां से निकलना पड़ेगा, पुलिस हमारे पीछे। बना दिया है घर को, क्यों इतना शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? देखिए अब्बा हुजूर, आपका लाडला पोता किन हरकतों को अंजाम दे रहा है, आपका नाम रोशन कर रहा है। और हमने अभी एक शख्स को यहां से नीचे जाते देखा, जो शख्स यहां पर आया था वो भी जरूर आप ही से मिलने आया होगा। नहीं नहीं मुमानी जान, मैं उसको नहीं जानता और मैंने देखा भी नहीं वो कहां गया। अब्बा हुजूर, ये हमसे जरूर कुछ छुपा रहे, पूछिए इनसे ये रात को जाग जाग कर क्या करते। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, हमारा बेटा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे खानदान की नाक नीची हो। हमारा फरहान कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल अब्बा हुजूर, जहां तक बात है रात भर जागने की, उसे फिक्र है अपनी पढ़ाई की, अपने मुस्तकबिल की, और ऐसा पिस्तौल तो इसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। भाभी जान, किसी मासूम पर ऐसा बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले आपको कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। ठीक है, आप सबको हमारी बात पर यकीन नहीं है ना, तो हम मरियम से ही सच पूछते हैं। क्योंकि उस वक्त मरियम भी यहां पर मौजूद थी। मरियम, कौन था वो शख्स? म
मरियम, हम आपसे पूछ रहे हैं। मरियम, सबको सच बताइए, वो शख्स कौन था? मरियम, हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ था? सबको बताइए, आपने क्या देखा यहाँ पर? फरहान भाई जान ने कुछ नहीं किया, वो तो बस मुझे बचा रहे थे। वो वही बुरे अंकल थे जो चोरी करने आए थे। फरहान भाई जान ने उन्हें रोका, लेकिन वो गन से हमें मारने की कोशिश की। उन्होंने पहले गन फरहान भाई जान पे तानी, फिर मुझ पे। फरहान भाई जान उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो मुझे ना मारे। हाँ मुमानी जान, वो चोरी था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास बंदूक थी। उसने मुझे मारने की धमकी भी दी थी, पर मैंने भी सोच लिया था चाहे मेरी जान चले जाए, मरियम पे और इस हवेली पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा। देखा अब्बा हुजूर, सुना आपने, बिना वजह मेरे बेटे को मुजरिम बना दिया था, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मुझे नाज है अपने बेटे पर, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मैं शर्मिंदगी हो। जी अब्बू जान। बहरहाल कुछ दिनों से हम आपकी हरकतों में तब्दीली देख रहे हैं, आप पर खास निगरानी रखी जाएगी। जी। चलो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने आप दोनों की जान बचा ली। वो पिस्तौल हमें दीजिए। इसको हम पुलिस स्टेशन में जमा करा देते हैं, और हाँ, पुलिस वालों को उस शख्स का होलिया भी बता देंगे, ताकि मुस्तकबिल में कभी भी इस हवेली की तरफ रुख करने की भी जुरत न करें। आप सब लोग भी यहां से जाइए। थैंक यू फरहान भाई जान। ये आयत अपने तेवर को ज्यादा ही जमा रही है, हर वक्त हमारी इज्जत निकू करने की तलब लगी रहती है। जब से उस चूजे के पर निकले हैं, ये म्याऊं को ज्यादा ही उड़ने लगी है। हमें भी आसमान पे फंदा लगाना अच्छे से आता है। अब हम ऐसी चाल से शुरुआत करेंगे कि इस चूजे का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।